गणेश भगवान को किसी भी आकार में आप ढाल सकते हैं। और ऐसे ही बुलढाणा जिले के खामगांव में पत्रकार के रूप में विराजित गणेश भगवान की मूर्ति सभी के आकर्षण का केंद्र किस प्रकार बनी है, देखते हैं बालू सातपुते की इस खबर में। बुलढाणा जिले के खामगांव में पत्रकार गणेश उत्सव समिति की ओर से स्थानीय पत्रकार भवन में गणराय की स्थापना की गई है। विशेष बात यह है कि पत्रकार के रूप में बप्पा की मूर्ति की स्थापना की गई है और इस मूर्ति के एक हाथ में पेन, पैड, इलेक्ट्रॉनिक बूम, कैमरा दिया गया है और यह मूर्ति सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं इसके संबंध में अन्य पत्रकारों के साथ खामगांव के पत्रकार संघ के सदस्य पंकज गमे ने सिटी यूनिट प्रतिनिधि बालू सातपुते को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये गणेशोत्सव मोठ्या धूमधडाक्यामध्ये साजरा करण्यात येत असतो। आपण नेहमीच पाहत असतो की बा गणेशोत्सव हा वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये अनेक मंडळांकडून साजरा करण्यात येतो। कधी पोलिसांच्या वेशभूषेत, कधी शेतकऱ्यांच्या वेशभूषेमध्ये, किंवा डॉक्टरांच्या, नर्सच्या, असे वेगवेगळे जे सामाजिक दायित्व निभवणारे जे कॅरेक्टर आहेत त्यांच्या स्वरूपामध्ये गणेशोत्सव नेहमी साजरा होताना आपल्याला दिसतो। परंतु लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून पत्रकारांनाही त्या ठिकाणी मान दिला जातो, समजल्या जाते की बा हे लोकशाहीसाठी नेहमी झटणारा जो घटक आहे तो पत्रकार आहे। पत्रकार हा नेहमी प्रत्येक आपत्तीमध्ये सर्वतोपरी लोकांसमोर सत्यता मांडण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करत असतो। त्यामुळे पत्रकारांच्याही वेशभूषेमध्ये कुठेतरी गणेशोत्सव साजरा झाला पाहिजे। पत्रकारही हा लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असल्यामुळे आम्ही यावेळेस खामगाव पत्रकार उत्सव समितीकडून पत्रकारांच्या वेशभूषेमध्ये गणेशोत्सव साजरा करत आहोत। 5 दिवस हा गणेशोत्सव साजरा होणार असून यामध्ये विविध सामाजिक कार्यक्रम आम्ही राबवत आहोत। आरोग्य शिबिर आहे नागरिकांसाठी, वृक्षारोपण आहे, त्यानंतर पत्रकारांसाठी कार्यशाळा आहे, असे अनेक असे सामाजिक कार्य आम्ही या ठिकाणी पत्रकारांच्या माध्यमातून साजरा करणार आहोत। अशीच ही संकल्पना आम्हाला सुचली की बा सगळ्या ठिकाणी गणेशोत्सव साजरा होतो तर मग पत्रकारांच्या वेशभूषेमध्ये गणेशोत्सव साजरा का झाला पाहिजे नाही, म्हणून आम्ही अशी संकल्पना या ठिकाणी राबवली आहे। धन्यवाद। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार बांधव मौजूद थे। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि बालू सातपुते की रिपोर्ट।